तो आज हम जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं वो है एक प्लास्टिक गियर सेट। ये गियर सेट मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया था और जैसा कि आप लोग इसका नाम भी देख सकते हैं, 78 पीसेस गियर सेट वाइट इलेक्ट्रॉनिक स्पाइसेस 78 पीसेस प्लास्टिक गियर्स। तो ये हमको जो गियर सेट पड़ा वो 338 रुपये का पड़ा, जिसमें डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडेड हैं। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। तो अब हमने इसको ओपन कर लिया है और इसमें जो हमको ये पैकेट मिला है वो हमको बबल रैप में मिला है। तो बबल रैप में प्लास्टिक की चीज़ रैप होना अच्छी बात होती है क्योंकि उससे टूटने का ख़तरा कम हो जाता है। तो इसको हटा लेते हैं। तो बबल रैप को हटाने के बाद जो हमको पीस मिला है वो हमको एक प्लास्टिक जिप लॉक में मिला है। बैग है ये, प्लास्टिक जिप लॉक बैग। ये ज़्यादातर नमी से बचाने के लिए या ह्यूमिडिटी से बचाने के लिए यूज़ होता है। तो इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये रबर बैंड्स मिली हैं, ठीक है। तो ये रबर बैंड्स नॉर्मल रबर बैंड्स हैं, बस कुछ इनमें अंतर तो दिख नहीं रहा है। और ये येलो येलो जो ये है, ये पुली है, ठीक है। इसको अलग करके देखते हैं, अभी छोड़ते हैं। तो ये देखिए, ये पुली और ये रबड़ बैंड है। ये नॉर्मल रबड़ बैंड है, इनमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। बाकी ये पुली का क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। और भी देखते हैं अंदर क्या क्या है। ये गियर है, चलिए देखते हैं और भी चीज़ें क्या क्या हैं। तो ये व्हील्स तो काफ़ी ठीक ठाक लग रहे हैं, इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो चलिए अब इनको हम आयरन रॉड से कनेक्ट करके देखते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। तो अब हम इस प्रोडक्ट को अरेंज करके देखते हैं कि बारी बारी से कितने क्या पीसेस हमको मिलते हैं। तो अब हमने इन प्रोडक्ट को अरेंज कर लिया है और जैसा कि हम बता रहे थे कि ये जो व्हील्स हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो इनकी खासियत ये है कि इनमें जो ऊपर ऊपर है वो रबड़ है और बीच में जो ये येलो येलो पार्ट दिख रहे हैं वो प्लास्टिक है। और इसका अगर आप साइज़ देखें तो वो 1 रुपये के सिक्के से थोड़ा बड़ा है। और ये हमको मिल जाता है, ये गियर, ये सिंपल गियर है क्योंकि इसमें जो टीथ हैं वो आउटर में हैं और बाकी जो कनेक्ट जहाँ पे कनेक्ट होता है वहाँ पे कोई आपको टीथ मिलेगा। और ये सबसे छोटा टीथ है इसी तरीके का। तो ये आपको 9 तरीके के मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका साइज़ भी 1 रुपये के सिक्के के बराबर है। और ये दूसरे तरीके के गियर हैं, इनमें क्या है कि जहाँ पर आप कनेक्ट करते हैं वहाँ पर ही आपको टूथ मिलेंगे और ऊपर भी आपको टूथ मिलेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छे है, ठीक है। और ये इसका साइज़ भी 1 रुपये के सिक्के के बराबर ही है। तो अब हम देख लेते हैं ये पुली के बारे में। ये हमको जैसे कि सबसे बड़ी पुली यही मिलेगी इसमें, ठीक है। और इसमें जो सबसे छोटी मिलेगी वो इस तरीके की मिलेगी और ये एक मिडल पुली होगी। तो इस तरीके से आपको इसमें भी काफ़ी पुली मिल जाती है। ये भी आपको 9 मिलेंगी, ठीक है। तो 9 गियर्स, वो 18 गियर हो गए 2 तरीके के। और फिर उसके बाद ये गियर्स मिलते हैं। ये गियर्स ज़्यादातर मोटर को कनेक्ट करने के लिए होते हैं व्हील्स के एक्सल से। तो ये गियर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, इसमें भी आपको कई सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। और अब देख लेते हैं मोटर में कनेक्ट करने वाले पार्ट्स। तो ये आपको एक तरीके इस तरीके का एक पार्ट मिलेगा जो मोटर में कनेक्ट होगा। ये फिर दूसरे तरीके का पार्ट मिलेगा, फिर ये इस तरीके का एक ब्लू पार्ट्स मिलेगा, ये भी मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 होंगे आपके पास और ये सबसे स्मॉल वाला होगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपको कई सारे मिलेंगे। ये भी एक मिलेगा, ये काफ़ी लंबा है, ठीक है। ये सिंगल पीस वाले हैं, ये ब्लू और ये आपको एक वॉर्म गियर भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। इसमें मेटल का आपको सिर्फ ये एक गियर मिलेगा, ये वाला येलो वाला, ये आपको मेटल का मिलेगा, ठीक है। तो ये और ये जो है ये हमारा वो कैम फॉलोवर वाला गियर है, ठीक है। तो अगर आपको कैम फॉलोवर का यूज़ पता है तो उस तरीके से आप इसको भी यूज करते हैं। बाकी ये हमारा टी शेप कनेक्टर है जिसमें हम रॉड्स को कनेक्ट करते हैं टी शेप में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको टी शेप में कनेक्ट कर सकते हैं रॉड्स को। तो ये हमें 2 मिल जाएंगे, ये 2 टी शेप कनेक्टर होंगे। और ये बाकी हमको लॉकर मिल जाएंगे जो लॉक करने के लिए होंगे हमारे एक्सल को, या ये आयरन रॉड का है उसको लॉक करने के लिए। बाकी आपको एक इस तरीके का ये भी एक गियर मिल जाएगा, ठीक है, लंबा सा, ये भी गियर्स में ही आएगा। और बाकी आपको ये जो आयरन रॉड्स हैं ये आपको 8 मिलेंगी, ये 2-2 के पेयर में होंगी, 4 टाइप की, ठीक है। तो इनकी लेंथ देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे लंबी वाली मिलेगी वो आपको 10 सेंटीमीटर की मिलेगी। और फिर उसके बाद जो
उससे छोटी वाली मिलेगी, वो आपको मिलेंगी 7 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर की होगी। फिर उसके बाद जो उससे छोटी मिलेगी वो आपको मिलेगी 5 सेंटीमीटर की यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उससे कम जो आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी 3 सेंटीमीटर की यानी 3 सेंटीमीटर। तो ये आपको सभी पेयर्स में मिलेंगी, ठीक है। और बाकी ये रबर बैंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था नॉर्मल ही हैं, बस इसमें जो वाइट वाली रबर बैंड है वो थोड़ी ज़्यादा हार्ड है इनके मुकाबले, या कहें कम इलास्टिक है। तो ये हम इनको मोटर में कनेक्ट करके देखते हैं। तो ये ब्लू वाला तो काफ़ी अच्छे से कनेक्ट हो गया है इस मोटर में, काफ़ी टाइटली कनेक्ट है, और ये वाला पीस भी काफ़ी टाइटली कनेक्ट है। और इसको भी हम कनेक्ट करके देख लेते हैं, तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक है। इसमें कुछ गियर्स के जो होल हैं वो थोड़े बड़े हैं, तो अब इसको हम चलाकर भी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये मोटर पे चलेगा। तो ये देखिए, तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है इसमें, देखिए जैसा कि आप देख भी सकते हैं मोटर भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो ये वर्क तो करते हैं। तो ये थे हमारे 78 पीसेस गियर वाइट सेट। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।